हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, हर जगह से सफलता मिल रही होगी। आज मैं आपके लिए पिकअप आयल रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या गॉड ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो ये पहला पायल है विलिंगनेस और दूसरा पायल है ग्रेटिट्यूड। आप इन दोनों में से एक कार्ड चुन लीजिए, वो आपका रीडिंग होगा। ये है फर्स्ट पायल नंबर वन, ये है पायल नंबर टू। पास से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है विलिंगनेस, ये है ग्रेटिट्यूड। अगर कोई भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसको चुन सकते हैं, कलर वाइज, मीनिंग वाइज, जो भी। रीडिंग सबका अलग आएगा अंदर, और ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं करेगा। जिसकी सिचुएशन पे मैच करे तो वो एक्सेप्ट करें, अदरवाइज नेक्स्ट रीडिंग देख लें वो, ठीक है? और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज। बेल आइकन को टच करें ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए। हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए जो भी न्यू काम स्टार्ट करते हैं। मैं तो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग आगे बढ़ के सपोर्ट किया करें सबका। चलिए, ये पायल नंबर वन है विलिंगनेस। You are able to compromise if the end result is love. Yes, आप अपनी इच्छा से सेक्रीफाइस कर देते हैं चीज़ों को। मतलब अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, मगर उस आपका कोई लव्ड वन है जिसको आप प्यार करते हैं, जिसकी आप हमेशा भलाई चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक कदम पीछे हट जाते हैं कि अरे यार, ये मेरा भाई है, बहन है, या माँ बाप है, या मेरा हस्बैंड है, या मेरा प्रेमी है, तो आप उसके लिए पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं इसको आगे बढ़ने दो। अब आगे रीडिंग देखते हैं कैसी क्या निकलती है। कार्ड्स जो आपने चुना है उसका मीनिंग यही है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। अगले नेक्स्ट टाइम, अभी आने वाला टाइम आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेने हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेके आएगा वो देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत चीजें एकदम चेंज होने वाली है। जो भी आपका बुरा वक्त था वो खत्म होने वाला है और उसके साथ न्यू चेंजेस आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। उसके साथ साथ मेहनत भी बढ़ेगी आपकी। जो काम नहीं मिल रहा था तो काम मिलेगा, जो काम चल नहीं रहा था। अभी फिलहाल सिचुएशन आपकी थोड़ी ये है, आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है किसी जगह। हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब आपके घर में कोई या तो अभी किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, जिसके चक्कर में आपका खर्चा बहुत हो रहा है। आप अर्निंग की भी कोशिश कर रहे हो, इधर उधर से आप कोशिश कर रहे हो कि हमें कहीं
कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिले, बाहर भी जाना पड़ सकता है फ्रेंड्स, कहीं घूमने या किसी काम से टूर भी जाना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है अभी। आपकी थोड़ी अच्छी नहीं है, मगर आप टेंशन मत लो, ये सिचुएशन आपकी जल्द खत्म हो जाएगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट इसके बाद का टाइम आपका बहुत अच्छा आने वाला है। फाइनेंशियल भी आपका स्टेबिलिटी आएगी, कुछ तो स्टार्ट भी हो गई होगी अभी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी, बाकी अभी थोड़ी सी और आनी बाकी है। घर में कोई बीमार होगा, मतलब शायद उसकी थोड़ी सिचुएशन सीरियस हो, सकता है मतलब आपके घर में कोई बीमार अभी होगा, या आप थोड़ी हेल्थ पे ध्यान दें अपनी फैमिली मेंबर्स के, अपने बड़ों की हेल्थ पे ध्यान दें आप। साइकिल जो चल रहे बहुत टफ है, आप मतलब बहुत चीज़ों को सरवाइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत इमोशनल ड्रामा सब कुछ आप देख चुके हैं, पैसों की तंगी भी आप देख चुके हैं। अभी चीज़ें सब खत्म होने वाली हैं, अब आपके टाइम जैसा आप हो वैसे ही आप अब रहेंगे। जैसे आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको पार्टीज करना पसंद है, अभी आप कहीं ना कहीं वो चीजें मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको मेकअप करना पसंद हो सकता है, आपको तैयार रह के हमेशा बाहर निकलना, डेली तैयार होके कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ऐसा आपको पसंद हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में फिर से वापस आने वाली हैं, ये खत्म होने वाला है सिचुएशन आपका। कलेश रहता होगा घर में, लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, वो सब चीजें भी रिजॉल्व होंगी धीमे धीमे, वो सब चीजें भी सही होंगी। तो गॉड ब्लेसिंग्स आपकी है पूरी पूरी, आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जो भी सारी दुख परेशानी जो भी थे जो हो चुके हैं खत्म, अभी कुछ भी, अभी बस आपको सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी जिंदगी में। गॉड ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आप अपने आप को शो द वर्ल्ड द रियल यू, अब आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसे दिखाएंगे। कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे होंगे टेंशन वगैरह की वजह से, तो वो चीज़ें भी अब आप करेंगे। फ्रेंड्स वीनस से रिलेटेड रेमेडी करनी चाहिए, आपको अपने शुक्र को अच्छा बनाना चाहिए। आप अगर अपने शुक्र को अच्छा बना लेंगे ना, तो आपको ये बार बार जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शुक्र केतु से प्रभावित लग रहा है मुझे।
और फिर अगर आपको ऐसे लगता है कि पर्सनल आपका ये रीडिंग हो रहा है तो आप मुझसे पर्सनल भी कांटेक्ट करा के कुंडली वगैरह दिखा सकते हो, मैं कुंडली वगैरह भी देखती हूँ, तो उससे भी मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है जिंदगी में। अभी तो फ्रेंड्स आपकी हर जगह से विक्ट्री होने वाली है, आप जो झेल चुके जितना झेलना था आप सन की रेमेडी भी कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से वीनस आपके लिए सबसे सही रहेगा। वीनस आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग बैठा है मगर किसी से प्रभावित है, तो आप वो एक बार चेक करा लेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ कि आपका ये साइकिल कब ख़त्म होने वाला है और वो सब। ये एक्चुअली जनरल रीडिंग है तो मैं उससे पता नहीं आपको कितना क्या रेजोनेट करती है ये, मगर अगर ये आपकी रीडिंग हो रही है तो आप मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी रीडिंग बहुत सही हुई है, ब्लेसिंग्स भगवान की आपके ऊपर कृपा असीम बनी हुई है और ये जल्दी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप एक नया साइकिल आपका स्टार्ट होगा जो बिल्कुल टेंशन फ्री होगा, अच्छा होगा, प्रोग्रेस होगी आपकी। चलिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अभी ये सेकंड पायल है ग्रेटिट्यूड। यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन दैट लाइफ लविंगली प्रेजेंट्स टू यू। आप हर चीज में भगवान का शुक्रिया अदा करने वालों में से हो, भगवान ने हमें ये दिया, थैंक यू गॉड। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, ग्रेटिट्यूड हमें रखना चाहिए जो हमें दे रहे हैं, और भगवान सबसे कीमती चीजें उन्होंने सांसें दी है जो चल रही है, तो हमें पल पल उनका धन्यवाद देना चाहिए कि गॉड आपने हमें इतना दिया, आगे भी कृपा बनाए रखें अपनी, थैंक यू सो मच, है ना, ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। चलिए अब मैं आपकी रीडिंग निकाल लेती हूँ कि आगे आपकी कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी जिंदगी में, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चला था बीच में, अभी आपका बिजनेस थोड़ा सा डमाडोल हो गया है। मगर उसके नए सोर्सेज आपको मिलेंगे, उसके लिए नई चीजें, नई उम्मीदें, आप उम्मीद ना छोड़ें। ज़्यादा ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स, आप जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें उसको ऑनलाइन करें, ऑनलाइन आपके ना ऑफलाइन ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हार्डवर्क ज़्यादा कर रहे हैं, हालांकि आपका कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड है, आपका आप
आपकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत सारे लोगों के टच में हैं, तो ऑफलाइन भी आपका ऐसा बुरा नहीं गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा। मगर आप ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे इसको तो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। अभी थोड़ा आपका साइकिल थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है मुझे, मनी मैटर को लेके थोड़ा सा। आप ऐसा नहीं है कि मनी आपके पास आ नहीं रही है, आ तो रही है, अच्छा खासा अमाउंट भी आया आपके हाथ में, मगर कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है, या तो आप उस पैसे से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उतनी अर्निंग से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे मुझे, या आपने किसी को दे दिया है तो वो मिल नहीं रहा है, वो सोच रहे हैं आप। आपके पास पैसा आ रहा है बट टिक नहीं रहा है कहना चाहिए, आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज़्यादा हो रहे हैं। पैसा तो आ रहा है आपके पास मगर आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं, तो आपको वो अर्निंग दिख नहीं रही है, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं आप उस चीज़ से कि मेरे पास पैसा आ रहा है। आज दोनों पायल बिजनेस और वही रिलेटिव निकले हैं उसके, फर्स्ट पायल में भी बिजनेस करियर वही निकला था, फाइनेंशियल रिलेशन, और ये भी फाइनेंशियल रिलेशन, आपका आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि कैसे करें क्या करें। आपके दिमाग में पुरानी चीज़ें बहुत घूमती रहती है, बहुत घूमती है पुरानी चीज़ें। आपका दिल तो बच्चों जैसा है, पल में खुश पल में नाराज, मेडिटेशन किया करें थोड़ा। आपका जो दिमाग में जो उथल पुथल मची हुई है ना, मेडिटेशन से काफी आपको राहत मिलेगी। न्यू स्रोत जरूर निकलेंगे फ्रेंड्स आपके, बट वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए आपको। आप सपनों में कुछ देख रहे हैं, हकीकत में कुछ और ही हो रहा है। होगा सब तो वाली चीजें भी होगी। आपका वीनस भी गड़बड़ है, अब रातों में सो नहीं पा रहे हैं, आपको टेंशन लगा रहता है अभी क्या करना है क्या करना है, बल्कि आपका अच्छा खासा सब चीज चल रही है। अब मेडिटेशन करो, आपको सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप जो काम कर रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, आपका सब कुछ हो रहा है बट हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो या तो आप वीनस की रेमेडी कर लो तो उससे आपको काफ़ी फायदा पड़ेगा। वो आप मुझे इनबॉक्स करना तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ऐसे सबका रेमेडी अलग अलग होता है, राशि से देखना पड़ता है। वीनस का रेमेडी, अभी बहुत सारी रेमेडी होती हैं, अगर आपको कोई पता है तो वीनस से रिलेटिव कोई सी रेमेडी कर लो आप, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पैसा रुकने लगेगा आपके पास जो अभी नहीं रुक रहा है ना। अच्छा, अर्निंग स्रोत आपके बढ़ेंगे, अभी आगे भी बढ़ने वाले हैं, न्यू स्रोत आपको मिलेंगे, न्यू तरीके से आप कर सकते हो आगे, बट वो ये कि वो पैसा अमाउंट आपके हाथ में रुकेगा नहीं। वो रुकने के लिए क्या करना है, तो आपको वो वीनस की रेमेडी करनी है। वीनस
इसकी रेमेडी करेंगे आपको काफी फायदा पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए आपकी रेमेडी, आपकी रीडिंग हो गई फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं और आप मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।